गुड मॉर्निंग गाइस, जय गुरु जी। आज है सैटरडे मॉर्निंग और नाश्ते में मैं बना रही हूँ मक्की की रोटी जिसके अंदर मूली और मेथी गूंदी गई है। तो ये हमारा चकले पे पॉलिथीन। जय गुरु जी, जय माता दी। ठीक आने वाली थी। इधर चल रही है हमारी सुबह की सब्जी कटिंग। आज हमारा दिवाली सफाई का लास्ट डे है। वो देखो, सब कुछ साफ़ होके वापस लगा दिया उसने सुबह आकर, और यहाँ का कपड़ा वपड़ा धो धुलने में डाला हुआ है। इधर भी ये रहे आपके जीजू। गुड मॉर्निंग, जय गुरु जी। नाश्ता आ जाए। हाँ। ओके, अभी आ रहा है। फिर कुछ हमें जोक वोक सुना के हमारा दिन बढ़िया बनाना। और मेरा बेबी कहाँ है? पार्थ, गुड मॉर्निंग, जय गुरु जी। पार्थ भी उठ चुका है और उसकी दादा दादी भी उठ गए हैं। अब हम कराते हैं सबको नाश्ता। हम भी अपनी गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग, जय गुरु जी। चलो आ जाओ, मक्की की रोटी खाते हैं। गाइस देखो, हमारे मक्की की रोटियाँ, ओए होए, गदर गर्मा गर्म। ये रहे आपके जीजू, बहुत स्वाद है। अरे वाह, थैंक यू। जय अन्नपूर्णा माता की, जय माता की। और देख लो गाइस, डाइनिंग टेबल पे बैठे खा रहे हैं। कह रहे हैं जब भी मैं डाइनिंग टेबल पे बैठी खाऊं तो स्पेशली दिखाना तू। मतलब तब से तो खा ही रहे हैं। You are in your dreams. पीछे मतलब है कि अभी कुछ दिन से बेड पे नहीं खा रहे हैं, एंड आई एम लाइकिंग इट सो मच। बाजा चल गया गाइस, इतना फनी चीज हुई अभी। yes. है हाँ, गीता ने हमें बताया कि बेड के नीचे जिसपे सोते हैं उसके नीचे ना लकड़ नहीं होनी चाहिए। मैंने इसे बोला नहीं, लकड़ का तो बेड ही होता है, लकड़ नहीं, रुक जा, लोहा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोहा जो है वो शनि का माना जाता है ना प्रतीक, तो वो नहीं होना चाहिए। तो और मैं किस बेड पे सोती हूँ गीता? लोहे के बेड पे। हाँ, मेरा जो फोल्डिंग बेड है वो लोहे का है। तो मैं तुम्हारे जीजू को बहुत टाइम से कह रही हूँ कि तुम मुझे ना एकदम शैया पे सुलाते हो, लोहे की शैया पे, और मेरे को मना किया लोहे की बेड पे नहीं सोना चाहिए, बदलो। तो ये कहते हैं अरे तुम रहने दो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैंने शनि देव भी ऊपर से माथा टेक के नीचे दे जाएंगे प्रिया। ए चिपची, मैंने बोला शनि आशीर्वाद देंगे बेटे, तुम ही संभाल सकते हो इसको। चुप रहो, मैंने बोला मुझे शनि देव ले जाएंगे, ऐसा मत करो। तो कहते हैं वो ले जाकर तुम्हारा करेंगे क्या? और गीता कहती है व्लॉग बनवाएंगे शनि देव दीदी से। मैंने कहा हाँ। तो फिर जीजू कहते हैं व्लॉग बनवाएंगे, वो भेज देंगे वापस। ये तो यहाँ का भी सारा कुछ दिखा रही है, इसको वापस भेजो, इसे वापस भेजो। वो बोलता रहो आके, मुझे वो बोल के जाएंगे बेटे यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, तुम संभाल सकते हो इसको। ये अपने पास रखो, लो। वो तुम्हें जरूर सर्टिफिकेट और मेडल देके जाएंगे, पता है किस लिए? बस 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 हो गया, देखा, ये आगे नहीं बोलने देंगे, जो मेरे फेवर की चीज है। उधर खाना बनाओ, रोटी जल गई, चलो भागो यहाँ से तुम। नहीं, इधर से हो ही नहीं अभी। ये मेरी सासू माँ की है, छेड़ मत उनको दे। सासू माँ का पराठा मक्खन मार के, एक कट गया जिस भी स्टाइल में, शेप से क्या फर्क पड़ता है, मक्खन होना चाहिए, है ना भी? हाँ। चलो अब बनाते हैं हम पुत्र श्री का। गाइस ये देखो, आपके जीजू गए हैं नाश्ता करके और टेबल पे अपनी प्लेट झूठी छोड़ के गए हैं, और अब पार्थ यहाँ पे बैठ के नाश्ता करने वाला है, और ये मैं उठा रही हूँ। आपको भी मैं दिखाऊंगी, ये मेरे दिखाते हैं ना उल्टी सीधी। क्या दिखाते हैं? देख लो प्लेट छोड़ के। किचन तो तुमने ऐसे भर रखी थी। ओह माय गॉड, देख लो गाइस किचन कितनी भरी हुई है, अभी निकली है वो भी। अभी गीता भी यहीं खड़ी है ना? गीता देख ले, आराम से रख सकते हो तुम। बस अब बातें मत बदलो ज्यादा, अब जान के आ गए तवे के पास, जल जाती है। तुम चिंता मत करो, मेरे बेटे ने खानी है, वो जली हुई भी खा लेगा। पहले मैं तुम्हारी करतूते तो दिखाऊँ एक एक करके, अब दिखाती रहूंगी बेटे, सब दिखाऊंगी। वो देखो गाइस, ये ऐसे सिंक में रखते हैं। ये देखो, ये नहीं कि पानी चला दें उसमें, जम जाए। बर्तन करने वाले को पहले खुरच के निकालना पड़े सामान। तुम आगे से रखना, मैं भी सारा दिखाऊंगा। दिखाना। हाय गाइस, तो अभी किचन साफ कर दिया गीता ने, अब हम ड्राइंग रूम को थोड़ा सेट कर रहे हैं, बिकॉज आज मेरी सिस्टर भी आएगी दोपहर को। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मैंने नए कर्टन्स और नए कुशन कवर्स मंगाए हैं, बिकॉज इस साल मैं दिवाली डेकोर में थोड़ा सा कलर थीम चेंज कर रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने टर्कोइश और ब्राउन रखा था, और इस साल मैं ब्राउन ऑरेंज येलो मिक्स करूँगी। ये वाले लास्ट ईयर की कर्टन्स हैं जो मैं हटा रही हूँ, और इसकी जगह दूसरे नए वाले लगाएंगे। ये रहे मेरे न्यू कर्टन्स, सेम जैसे ब्लू हैं उसी ब्रांड के मैंने येलो मंगवाए हैं, और ये
डेकोर चेंज्ड, कैसा लग रहा है? येलो कर्टन्स विद ब्राउन एंड ये ऑरेंज रेड सी गद्दियाँ, गोल्डन आ रही है ना, फेस्टिव फील। अरे वाह, देखा थोड़ा सा कलर्स थीम चेंज करने पर पूरा डेकोर ऐसे लगता है जैसे चेंज हो गया है। वो येलो फ्लावर्स भी वहाँ अच्छे लग रहे हैं। एक वास मैंने और मंगा लिया और ऑरेंज फ्लावर का बंच आने वाला है, वो कल आएगा। चलो जी, तो डस्टिंग चालू है, सफाई हो रही है और मैं जो है इधर किचन में तैयारी कर रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है मेरे पास, मैं लंच भी अभी बना लेती हूँ क्योंकि फिर लेट ना हो जाए। तो मैं साबुत मसूर की दाल बनाने लगी हूँ। यहाँ मैंने सारा कुछ ऑर्डर कर लिया था बीकानेर से, मिठाइयाँ, ढोकला वगैरह। मेरी सिस्टर आएगी तो सब कुछ रेडी होगा। कप्स मैंने निकाल लिए, ये जो दो कप्स मैं लाई थी 6 का सेट, ये भी निकाल लिए हैं। अभी मैं पहले दाल चढ़ा देती हूँ और अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ। काम हो जाएगा सारा किचन का ख़त्म, फिर मैं नहाने जाऊँगी। दाल बन गई हमारी, अभी ये थोड़े से फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं हम। अरे क्या हो गया, बहुत ब्राइट हो गया। आज के लिए थोड़ा सा उसको भूख लग रही है, उसने नाश्ते में आज एक ही पराठा खाया था। बस मैंने एक चम्मच तेल में आलू को सौते किया है, इसमें नमक, हल्दी, चंकी चाट मसाला डाला है और इसको बस 2 मिनट ऐसे सौते करके मैं इसे एयर फ्रायर के पैन में डालकर 180 डिग्रीज पे 15 मिनट्स के लिए रख दूँगी। पहले 200 पे रखती थी लेकिन अब 180 पे रखती हूँ। इट इज़ गोइंग इनटू एयर फ्रायर 180 डिग्रीज। ब्राइटनेस फिर ज़्यादा हो गई है। फॉर 15 मिनट्स फ्रेंच फ्राइज रेडी। एयर फ्रायर में बने हुए फ्रेंच फ्राइज विदाउट डीप फ्राई इसमें होगा। हाँ वो हटा देना है। ठीक है ठीक है, एक बात बताओ। हाँ मदर बीच जो मार। हाँ क्या पापा सुना? चल तू सुना। ठीक है, जोक नहीं है, तुम्हें बताना पहली आपको आंसर बताना पहली है वो जा रहा। ठीक है, अ मदर बीट्स हर डॉटर बिकॉज़ शी वाज ड्रंक। हु वाज ड्रंक? अ मदर बीट्स हर डॉटर बिकॉज़ शी वाज ड्रंक। बोथ वर ड्रंक, राइट? वाओ, द आंसर इज शी वाज ड्रंक। शी वाज ड्रंक, राइट? अब नाउ शी, वो जिसने बोला है वही सोचेगा। मैंने कहा था ट्यूबलाइट जलेगी नहीं, ट्यूबलाइट खराब है। देखो अब एक मैं भी सुनाता हूँ, रुको। अभी तुमने मेरा ट्यूबलाइट बोला तो मैं तुम्हारा ये जोक कट कर दूँगी। जो ट्यूबलाइट दे तो मस्त जोक है, एक कोई पहले थोड़ी है। लाइट हो उससे भी देर से जलती है। अरे रुको, तो हीलियम लाइट बड़ी देर तक जलती रहती है, यू डोंट नो। जलती तो बहुत देर से है। जैसे आत्मा ना मरती है ना खत्म होती है, बस शरीर बदलती है। अबे शरीर बदल रही हो अब सुनोगी? जैसे आत्मा ना मरती है ना शरीर बदलती है, जैसे आत्मा ना मरती है ना शरीर बदलती है। अबे क्या यार बुलवा दिया तुमने, वंस अगेन। जैसे आत्मा ना मरती है ना खत्म होती है, बस शरीर बदलती है। वो देखो क्या क्या क्या, अरे फंस गई। अब सुनाऊं? जैसे आत्मा ना मरती है ना खत्म होती है, बस शरीर बदलती है। वैसे ही सोन पापड़ी ना खुलती है ना खत्म होती है, बस घर बदलती है। सही बात है, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। किसी से सोन पापड़ी मत लो, पता नहीं कितने साल पुरानी होगी। पर ये कहा किसने? हल्दीराम बाबा ने। निकल गया तुम्हारा, ये घूमती रहती है। हाँ ये निकल गया, देखो ये भी निकाल दिया। ये वापिस भी लगाने, निकाल निकाल के रख दो पता लगे। लगाएंगे, अगर नहीं लगा तो इसकी मम्मी को बुलाऊंगी, वो एक्सपर्ट है, वो लगा दे। एक बारी ना एक वाइफ अपना ढूंढ रही होती है, क्या पता है, कार की चाबी। तो उसका हस्बैंड कहता है क्या ढूंढ रही हो? कहती कार की चाबी ढूंढ रही हूँ। कह रहा तुम्हारी जीन्स में है? कह रही खबरदार, तो मेरी फैमिली को इन्वॉल्व किया इसमें। कार की चाबी जीन्स में कैसे हो सकती किसी के? तुम भी नहीं समझी ना? मैं समझती हूँ। ऑडियंस समझ गई होगी। गाइस किचन की सफाई शुरू हो चुकी है। ये देखो नीचे कितने गंदे हैं फर्श, ड्रॉर्स निकाल दिए मैंने। अब गीता सफाई करेगी, जब तक मैं थोड़ा सा ये अरेंज कर दूँ इसमें मिठाई और फिर मैं नहाने जाऊँगी फटाफट, क्योंकि आई वांट कि उनके आने से पहले मैं नहा लूँ। वैसे 12:30 बज गए हैं, दे विल बी हियर एनी टाइम। अभी आपको ये मैं पूरा मिठाई से सजा के दिखाती हूँ। सच गया,
ये मैंने लास्ट ईयर लिया था, आई थिंक लास्ट ईयर, पता नहीं, अमेजोन से लिया था आई गेस। देखो फिर ब्राइटनेस ज़्यादा क्यों हो जाती है। यस, ये देखो, नारियल बर्फ़ी, गुलाब जामुन, रसबरी मतलब रसगुल्ले, डोडा बर्फ़ी, यहाँ पे है खोया बर्फ़ी, यहाँ पे मोतीचूर लड्डू, मिल्क केक। तो ये हमारा 3 स्टोरी तैयार हो गया है। यहाँ पे खांडवी और यहाँ पे ढोकला, इनमें बनेगी चाय एंड वी आर सॉर्टेड। चलो इसको हम सेट भी कर देते हैं। दाल बन गई गाइस, साबुत मसूर की दाल। अभी बस गड़का आ जाएगा इस पर। खोल दिया इसको, चपाती बन रही है गर्मा गर्म, क्योंकि आपके इधर अभी ये सब हुआ नहीं है, थोड़ा पेंडिंग है और आई नहीं मेरी सिस्टर, शायद लेट हो जाएगी, इनको लग गई है भूख। खाना आ रहा है, बिछा लो या यहाँ खाओगे या टेबल पे? टेबल पे। ओह माय गॉड, फिर जल्दी आ जाओ टेबल पे। गाइस लंच हैज़ बीन सर्व्ड एंड बोथ ऑफ देम आर अगेन ईटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल। So both of you, Pucci. अब रोज थोड़ी दिखाओगी, बस हो गया। कुछ दिन तो रहेगा ये नया नया। Oh my God. तुम भी खाना चाहिए डाइनिंग टेबल। हाँ, मैं अभी खाऊं या नहीं, मेरे को तो नहीं खाना ना, मेरा आज वीडियो शूट था, पता नहीं कर भी पाऊंगी कि नहीं। वो कब आएंगे मालूम नहीं। आज तो मुझे गीता ने दोपहर की रोटी भी बना दी, थैंक यू, हेल्प हो गई मेरी। मैं नहा चुकी हूँ, मेरे बाल धुल गए हैं। ये रहे हम, मैं बस अब जा रही हूँ जय करने। 2 खाने सेट हो गए हमारे, इसका भी हो गया। फालतू सामान निकाला है मैंने, थोड़ा कम करा है स्टोरेज स्पेस जो है, फिर घिर जाती है सारी। अभी ये वाले 2 खाने करने हैं और फिर ऊपर के, फिर हो जाएगा कंप्लीट, है ना। ये अभी इसमें भर ले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। Guys, my sister, happy Diwali. Happy Diwali. भैया हेलो, ये देखो जी, हेलो आंटी, ये हमारी मम्मी की तरह मेरी सिस्टर की सासू माँ है, और ये रहा हमारा बेटा अभिज्ञान। अब अरे जी, हैप्पी दिवाली। गुड, यस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। बैठो बैठो। गाइस, तो पूरे दिन की थकान के बाद अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं मोमोज बनाऊंगा, इसलिए मैंने अब पहला मोमो रख दिया। देखो, मतलब अपने छोटू को बोला हुआ है, छोटू जल्दी करो। गाइस, मेरी सिस्टर जीजाजी आंटी वगैरह सब चले गए, और बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छे से हमने एक दूसरे के साथ गुरु जी के सत्संग शेयर करे। वो लोग भी गुरु जी की संगत है, आंटी ने इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए, बड़ा मजा आया। बहुत ही बढ़िया सत्संग थे, थैंक यू आंटी फॉर शेयरिंग। अगर आंटी की हमारा ब्लॉग देख रही है, आंटी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा हमें। सही बात। और अब पार्ट लगाना है उसकी क्लास वीकेंड वाली, देखता रहता हूँ मैं छोटू कैसे बना रहा है, गोल बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं उससे। हाँ, छोटू मोमोज बना रहा है। थोड़ा कम डाल रहे हो मसाला। हाँ बस, अब ठीक है, बहुत बढ़िया बनाया, वेरी गुड। मैं चेक करता रहता हूँ मेरी ट्रेनिंग सही चल रही है नहीं चल रही है बच्चों की। सही है शेफ, बिल्कुल। वो फिर तुम्हारी इन एफिशिएंसी दिख जाएगी कि तुम धीरे धीरे बनाती हो। अच्छा, तो हम उसको 2x मोड पे लगा देंगे। यू डोंट डू दैट फास्ट, यू नो, जैसा तुम्हें मैंने सिखाया था। उतना नहीं है शेफ, ठीक है शेफ, ये तो देखा इसीलिए नहीं दिखा रहा था मैं। ठीक है शेफ। तो फ्रेंड्स, मोमोज बन रहे हैं, बस रेडी होने वाले हैं। टाइम हो चुका है पार्थ की क्लास का, और हम भी जा रहे हैं क्योंकि हमने जाना है अब मार्केट दिवाली की शॉपिंग के लिए, जो बची है हमारी पूजा के लिए, जो शॉपिंग करनी है दिवाली पूजा।
वो सब चीज़ें और कुछ लेकर आने हैं मैंने चीज़ें घर की। क्या हुआ? मतलब अभी मेन काम तो पड़ा हुआ है। मेन काम पड़ा है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, लिस्ट बनी हुई है। बहुत सारी? हाँ, डोंट वरी, मैं खुद करूँगी, आपसे नहीं करवाऊँगी। मतलब अकेली जा रही हो? नहीं, तुम साथ जा रहे हो, मतलब खर्चा कम करेंगे। मुझसे क्या फर्क पड़ता है? तो घूमना तो पड़ेगा जान तुम्हें हमारे साथ, थैले उठा के वो तो घूमना पड़ेगा। सॉरी, ये लड़की बहुत बढ़िया काम किया है इसने। गॉड ब्लेस यू बेटे। जय गुरु जी। फ्रेंड्स, थक गई मैं, लेकिन सफाई हो गई सारी, किचन भी कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा बर्तन वगैरह अरेंज करने हैं, वो मैं कल डिसाइड करूँगी कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है, कौन सी हटानी है। अभी मैंने भेज दिया है गीता को, बहुत अच्छे से उसने मेरे साथ दिवाली की सफाई करवाई है। 3 दिन बहुत अच्छा लगा मुझे, और गुरु जी की कृपा से सब बहुत बढ़िया से हो रहा है। मेरी सिस्टर भी मिल ली, और आंटी तो कई सालों बाद आई, मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ, वो तो मतलब बहुत ही सालों बाद आई हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आंटी आए। और इतना अच्छा उन लोगों के साथ गुरुजी के सत्संग एक्सचेंज हुए। अब मोमोज बन गए हैं, तैयार हो गया, पार्थ की क्लास का टाइम हो गया, अब हम जा रहे हैं, उसको ड्रॉप करेंगे और फिर हम जाएंगे मार्केट, ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट शॉपिंग करने। मैंने अपनी लिस्ट बना रखी है। वैसे तो आई एम टायर्ड, मेरी बैक में दर्द हो रहा है। मन तो मेरा कर रहा था कि मैं 1 घंटा लेट जाऊँ, लेकिन और दिन नहीं बचा है, बस यही दिन है आज का, करना है, करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमने पार्थ को ड्रॉप कर दिया उसकी क्लास के लिए, और अब हम जा रहे हैं मार्केट, और मेरे को ऐसे कुत कुत हो रही है, डर लग रहा है क्योंकि बहुत जाम है, मतलब बहुत ट्रैफिक है, सारे लोग निकले पड़े हैं शॉपिंग के लिए, है मोहित। और अभी तो हम जब उस मेन मार्केट में पहुंचेंगे, अंदर कार पार्क करके पैदल उतर के जो शॉपिंग करनी है ना, बंदे पे बंदा चढ़ा होता है वहाँ पे। 1.5 किलोमीटर पहले गाड़ी बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है यहाँ शॉपिंग जाने के लिए, स्पेशली ऐसे फेस्टिव टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है। और ये सब देखो मेरा कमाल, ऐसे फिर शुरू हो गए तुम मोहित पुरान। अच्छा, टाइम में भी मैं गाड़ी चला के ले जा रहा हूँ, देखो ये बस अपना पुरान शुरू कर देते हैं यार। अप्रिशिएट मी, यू नो, आई अप्रिशिएट यू, कितना करूं, दुनिया करो। मैं थोड़ी सी दूर गाड़ी खड़ी कर दूंगा फिर बोलने लगी। हाँ, ये प्रॉब्लम है इनके साथ, पार्किंग फोबिया है इनको, है ये वहाँ तक जाते ही नहीं, मार्केट के आगे तक जहाँ पार्किंग चले ना, जहाँ गाड़ी के वहीं उतरे, सीधा दुकान के अंदर कार ले जाऊं मैं, तब जाके उतरे गाड़ी में से। दुकानदार की गोद में बिठा दे जाके, गोद में तो वो साला पोलियो हो जाएगा उसको। ओ फिलहाल तुम्हें ना कर दूं। गाइस, इतना 1 किलोमीटर दूर ये बंदा ना मार्केट से, बोलेगा प्रिया आगे रश होगा, यही पार्क कर देता हूँ। क्यों भाई, मेरे जैसे समझदार लोग ही नहीं फंसते। समझदार लोग नहीं, और मैं विद गुरुजी की ग्रेस मुझे हमेशा पार्किंग मिलती है, चाहे जितनी भी भरी हुई जगह हो। मैं इनको बोलती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, चलो, मुझे पार्किंग मिल जाती है, और हमेशा मिल जाती है। बंद करके चलाओ तो मिल ही जाएगी, सामने हट जाता है। अरे ये आ गई, आगे बंद नहीं की, हट जाओ, तुम्हारी आंखें बंद करो अभी, चला रहा चुपचाप, मेरी करोगी तो कोई छोड़ेगा भी नहीं जगह। ठीक है गाइस, आपको अब ये मेहनत वाला जद्दोजहद वाला काम करने के बाद मिलते हैं। क्यों, काम करते हुए नहीं मिलोगे? काम करते हुए वहाँ पे ना फोन ही गिर जाएगा मेरा, अगर मैं वहाँ ब्लॉगिंग करूँ। हर साल तो ब्लॉग बनाती है तुम, बना लेना, मैं तो जाके शॉपिंग करूंगी। अति ग्रेटफुल, अनग्रेटफुल हो बहुत। गाइस देख लो, मैंने ये बोला, मैंने कहा मिल जाएगी, जैसे ही मैंने बोला ना, गाड़ी निकली और हमें सीधा पार्किंग मिल गई, बढ़िया। तो यार गुरुजी की ग्रेस है ये तो मेरे, वही तो कहती हूँ मैं, मेरे पे है, मेरे पे। जब भी मैं कहीं जाती हूँ, मुझे एकदम गुरुजी बढ़िया पार्किंग दिलाते, चाहे किसी की गाड़ी निकलवा दे वहाँ से। जय गुरुजी। हो गया तुम्हारा? चलो चलता रहेगा मेरा। फिर लो जी, आलू चाट वाले के पास पार्किंग मिलती है मस्त, और आपके जीजू को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू चाट, तो ये कह रहे हैं शॉपिंग की शुरुआत करूँगा आलू चाट खाकर। हाँ, आलू चाट खाओ, थोड़ा क्लोजअप ले लूँ, दिखाओ ये चाट। ये देखो जी, आपके जीजू की फेवरेट आलू चाट, ये आपको कभी मिले तो इन्हें चाट खिलाना। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। चलो चलो गाइस, मैंने तो अपना मास्क चढ़ा लिया है, क्योंकि इस टाइम में मेरे को बहुत मिट्टी चढ़ जाती है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, मैं इसके बिना नहीं मार्केट में घूम सकती। वापस आ गए हम, बहुत देर लग गई शॉपिंग करके, 8 बज गए हैं, अभी आए हैं। और गाइस, शॉपिंग, मेरी दिवाली पूजा की सब कुछ हटे, लक्ष्मी गणेश मंदिर की सारी चीज़ें आ गई,
खिल पतासे घर के लिए भी मैं लेकर आई हूँ, बेड कवर्स, वूलन वाले भी, सर्दियों वाले भी और कॉटन वाले, इलास्टिक वाले भी मुझे बड़े अच्छे मिल गए शॉप पे। और अपनी मेड को दिवाली देने के लिए भी आपको दिखाऊंगी, सूट लाई हूँ उसके लिए और उसको ये सब बहुत पसंद है, अटरम शटरम ये सब कुछ लेकर आई हूँ। और इसमें महालक्ष्मी जी की फ़ोटो है, बड़ी प्यारी सी फ्रेम करवा के लाई हूँ। ये वाली शॉपिंग में मुझे बड़ा मज़ा आता है बट बहुत थकावट हो जाती है। 8 बज गए हैं, अब बनाना है डिनर। डिनर के लिए मेड मेरी पीछे से आके काट गई है सब्जी, बैंगन आलू कटवाए हैं मैंने, तो अभी मसाला बैंगन आलू बनाऊंगी। और दोपहर को मैंने बनाई थी साबुत मसूर की दाल, वो भी थोड़ी सी बची है तो ये भी गर्म कर लेंगे साथ में। पहले पीते हैं पानी, बहुत प्यास लग रही है मुझे, बैठ के पीना चाहिए वैसे, आई नो, खड़े खड़े पी लिए मैंने। बस 5 मिनट बैठ के फिर किचन का काम शुरू करती हूँ। सुबह से बैठी नहीं हूँ मैं, जैसे ही मेरी सिस्टर और जीजा जी गए थे वैसे ही बात की क्लास का टाइम हो गया था, हम वैसे ही निकल गए थे मार्केट के लिए, तो मुझे बिल्कुल बैठने का टाइम नहीं मिला आज। और अभी भी मेरे मन में यही चल रहा है कि बस मैं सब्जी बना के सीधा बैठूँ, बट नहीं, 5 मिनट तो कमर सीधी करनी है। पिलो कवर्स भी मिले हैं मुझे ग्रे कलर के, अच्छी क्वालिटी के, 2 बेड कवर इलास्टिक वाले और 3 सेट मैं लाई हूँ वूलन वाले, हमारे और मम्मी पापा के रूम के लिए सब बेड कवर्स। जब खुद शॉप पे जाके शॉपिंग करो ना, देख कर सामान, तो बड़ी तसल्ली होती है। ऑनलाइन पे कई बार ऐसा होता है 4 दिन बाद सामान आएगा, फिर देखेंगे पसंद आया है कि नहीं, है ना। मैंने बहुत टाइम बाद जाके ऐसे ऑफलाइन शॉपिंग करी है प्रॉपर, मार्केट में शॉप्स घूम के। मुझे कुछ खास पसंद नहीं है ऐसे इतना शॉपिंग के ऊपर टाइम लगाना घूम घूम के, बट आज मज़ा आया मुझे। हम शॉपिंग से हम जल्दी फ्री हो गए थे और पार्थ की छुट्टी होने में अभी घंटा बाकी था, तो मोहित ने बोला कि हम घर वापस नहीं जाएंगे, बहुत ट्रैफिक है। तो पार्थ की क्लास मेरी मम्मी के घर के पास ही होती है, इसकी नानी हाउस के पास, तो मोहित ने कहा चलो मम्मी के पास ही वेट कर लेते हैं। वैसे हमने कल जाना है मम्मी और मासी जी को दिवाली विश करने, बट हम आज वेटिंग टाइम के लिए उनके पास बैठ गए थे, वहाँ मुझे व्लॉग करना याद ही नहीं रहा। मम्मी को सरप्राइज़ लगा कि अरे इन्होंने तो कहा था कल आएंगे, तो मैंने कहा ऐसे हम आए हैं बस, उसकी क्लास में भी घंटा बाकी है और हमारी शॉपिंग हो गई थी, तो हमने कहा आपके पास बैठ जाते हैं थोड़ी देर। तो बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, वो बड़ी खुश हो जाती हैं जब मैं उन्हें सरप्राइज़ देती हूँ। बस चाय पी मम्मी के पास, थोड़ी बातें करी मम्मी से भी मासी जी से भी, फिर हम इसको क्लास से पिक करके घर आ गए। मिलते हैं गाइस आपको डिनर बनाकर। ये रहा पार्थ शर्मा क्लास से वापस आके। हाँ भाई बोलिए। हाँ जी सर फरमाइए। धन्यवाद आज आपने हमारे सारे मार्केट के काम करवा दिए। धन्यवाद किस बात का, मेरा भी तो काम थे वो। फिर भी आप लेकर तो जाते हो, घूमते हो हमारे साथ मार्केट में शॉप टू शॉप, कहाँ घूमते हैं सारे हस्बैंड जैसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो तो हमें पता है, आई एम द बेस्ट। वो कहाँ है मोबाइल का चार्जर, कहाँ है मेरे? मैंने रखा था इधर ड्रॉइंग रूम से उतार के। किधर? इधर तो तेरा हुड पड़ा है, इसका चार्जर कहाँ है? कहीं तो रखा था ड्राइंग रूम में, लगा हुआ था। दोनों के दोनों अपने फोन पे फुल वॉल्यूम करके लगे हुए हैं। एक तो मैं तुम्हें कह रहा था कि उसके वॉल्यूम कम कराओ। वॉल्यूम बंद करना बार, तुम भी लगे हुए फोन पे, कोई मुझसे भी बात कर लो। क्या सुन रहे हो हमें भी सुनाओ। हमारे जीजू लगे रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जोक सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, यही बस हमें नहीं सुना रहे। ओ भाई पाइया मिर्चा किदा लाइया? 50 रुपए किलो। क्या बोल रही हो, बताओ तुम। हमसे भी बात कर लो। हाँ तुमसे ही बात करता हूँ, और क्या करता हूँ दिन भर। फोन भी मैं खड़े होकर देख रहा था कि भैया जल्दी जल्दी देख लूँ, फिर तुमने बोला इधर आओ बात करो, बोर हो रहे हैं हम। I am the kind of entertainment that you got. इन्हें प्यार नाल मैं बुलाया। हाँ। और तुमने क्या बना दिया? कैमरे के पीछे से प्यार से आंखें जो घूरी हुई है। मैं तो मेरी आंखें खुल भी नहीं रही गाइस। फिर भी इतनी बड़ी घूर देती हो तुम मुझे, जब तुम्हें घूरना होता है। मल्टी फेसेट कैमरा होना चाहिए कि एक टाइम में दोनों का मुंह दिखे, कैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं। फिर तो तुम हर बार ऐसी दिखोगी घूरती हुई मुझे। मेरे में अभी हिम्मत ही नहीं है, मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा। एक बार एक बंदा कहता है अपनी वाइफ को, कहता है बचपन में कितना मजा आता था ना जब वो लाल वाले पटाखे मिलते थे और ईंट पे रख के उनको दूसरी ईंट से बजाते थे, है ना। हाँ। कह रहा है अब भी
एक और लाल बिंदी वाली मिली हुई है, कह रहा है अच्छा तोप है तोप के अंदर, पर कह रहा सॉरी जी सारा टाइम चल दी मेरे ते ही है कहीं और नहीं बजता जाके वो पटाखा, कह रहा इधर ही फूटता सारा। ट्रू फॉर एवरी मैन यू नो। हंसने की भी हिम्मत नहीं बची, व्यूअर्स हंस लेंगे। तुम ना ऐसे सोचते हो जैसे ये मशीन है, इसमें मैंने सिक्का डाला अब जोक बाहर आ जाएगा। जान तुम बड़ी बार आते हो खुद भी, प्रिया एक जोक तो जब मुझे तो याद आता तब मैं बताता हूँ ना, ऐसे थोड़ी होता है तुम ऐसे डालते हो सिक्का टिंग जोक सुनाओ। अच्छा तुम मुझे कोई भी वर्ड और अल्फाबेट दो, अल्फाबेट दो ठीक है, वर्ड दो चलो कोई भी, मैं उसको तुम्हें जोक सुना दूंगा, चाहे तुमने पहले सुना होगा लेकिन आई विल। मूली, मूली पे तो कितने सारे जोक हैं, सुनाओ एक। नहीं वो सुना नहीं सकता, ये क्या बात हुई, कैमरा में नहीं सुना सकता वो जोक। क्यों, मूली तो है। अब मुझे जो जोक याद आ रहा है वो तो वही है, नॉनवेज नहीं वेजिटेरियन जोक। और बोलो। छतरी। अब तुम सारे ऐसे ही वर्ड बोलोगी, मतलब तिवारी की माँ उसको बोलती तेरे मुंह पर छतरी डाल के खोल दूंगी। ट्रेन। तुम्हारे मुंह में छतरा घुसा के खोल दे, खोल भी देंगे, खोल भी देंगे। रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में तो कोई जोक ही नहीं आता मुझे। एवी फिर स्टाइल मार रहे हो तुम, एक वर्ड बोलो और मैं जोक सुनाऊंगा। टोपी, रिक्शा, ट्यूबलाइट, माँ। अबे मैं अभी ट्रेन पे ही अटका हुआ हूँ, तुम ज्यादा बोले जा रही हो। बस एक बीवी बोलूंगी तो 50 हाँ, जोक टपक जाएंगे। बीवी में तो 50 नहीं, बीवी में नहीं। देखो रेलगाड़ी में जोक याद आ गया, एक सुनाओ। एक बार एक आदमी आता है ऑफिस, उसके होंठ जले हुए होते हैं। ये तो अभी तुमने कुछ दिन पहले सुनाया है। बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी यार मुझे तुम लोगों की बातों में। अच्छा? सारा बैठ के यही सुनना पड़ता है जब तुम्हें बीजी में मेरे से बातें करते हो। रेलगाड़ी पे एक जोक सुनाओ। एक बारी ना दो बंदे ट्रेन जा रही होती है, उसके पीछे भाग रहे होते हैं, तेजी से भाग रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी ना ऐसे हाथ बढ़ाता है और दूसरा पकड़ के उसको खींच लेता है अंदर, है ना। वो कहते हैं वेरी गुड बंदे, तू बड़ा चंगा मतलब दौड़ता है, तू तो ट्रेन पकड़ ली। कह रहा मैं चढ़ने नहीं आया था ट्रेन में, तो चढ़ाने आया था सारा, तुमने मुझे पकड़ के खींच लिया। जो चढ़ने आया था वो नीचे रह गया, जो चढ़ाने आया था उसको खींच लिया। यूजी और वर्ड दो। मैंने याद दिलाया जो आलू। आलू बचपन वाला गाना गा दो। आलू टमाटर नहीं, आलू कचालू बेटा कहा गए थे। चलो ट्रेन हो गया, अब प्लेन पे सुनाओ। प्लेन पे तो बहुत सारे जोक हैं, वो सुना दो, एक सुना दो बस। हाँ एक बारी क्या होता है, दो तीन सुना देता हूँ, प्लेन पे तो बहुत सारे। तुम एक तो शुरू करो। एक बारी ना मेरे को बैंगन आलू बनाने, जल्दी सुनाओ। प्लेन के अंदर ना 5 लोग होते हैं, प्लेन ना क्रैश होने वाला होता है, तो उनमें ना एक बच्चा होता है, एक डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, एक फादर होता है उसमें चर्च का, और एक पायलट होता है, प्रीस्ट, एक पायलट होता है। प्लेन क्रैश होने वाला होता है, उनके पास ना 4 ही पैराशूट होते हैं। अब वो क्या कहता है, क्या कहते हैं पायलट, कह रहा भाई मैं तो पायलट हूँ, मुझे तो नीचे जाना है, मेरे पे तो बहुत पैसे खर्च करती है गवर्नमेंट। वो एक पैराशूट लेता है, कूद जाता है, कह रहा मुझे तो बचना जरूरी है। ऐसे ही डॉक्टर भी कहता है मैं लोगों की जान बचाता हूँ, पैराशूट पहनता है, कूद जाता है। इंजीनियर बोलता है मैं नहीं हूँगा तो ये डिजाइन डिजाइन कौन बनाएगा, प्लेन कैसे बनेंगे, वो पहनता है वो भी कूद जाता है। अब रह जाता है फादर और एक वो बच्चा। फादर कहता है बेटा मैं तो झील, हाँ प्रीस्ट और वो बच्चा रह जाते हैं। तो प्रीस्ट कहता है भाई मैं तो अपनी जिंदगी जी लिया हूँ बेटे, ये एक पैराशूट बचा है, तू चला जा कूद जा पहन के। कह रहा नहीं अंकल दोनों कूदेंगे। कह रहे क्यों, कह रहे वो जो इंजीनियर था ना वो मेरा बैग लेके कूद गया। तो इंजीनियर करा लो इंजीनियरिंग अपने मुंडे तो। नहीं इंजीनियर तो ऐसे ही होते हैं। तुसी भी इंजीनियर ऐसे ही होते हैं, वो बैग ले स्कूल बैग ले कूद गया उसके जाके खोल रहा है। चलो बच गए फादर और बच्चा। और सुनो चलो प्लेन हो गया, रॉकेट पे सुनाओ। नहीं पहले प्लेन पे और सुनाओ। चलो सुना दो प्लेन पे और एक। और एक एक बारी एक ना पागलों को लेके ना, गुरुजी भी एंजॉय कर रहे हैं तुम्हारे जोक्स। पागलों को लेके ना वो जा रही होती है प्लेन, एक पागल खाने है दूसरे पागल खाने, सारे पागल होते हैं उसमें, बड़ा ही शोर मचा रहे होते हैं, बड़ा ही शोर मचा रहे होते हैं। नहीं ये पागलों वाला तो वो था, उसमें तो बेचारे नीचे गिर के मर जाएंगे। दोबारा सुनाता हूँ। एक बारी ना एक प्लेन में ना जा रहा होता है, तो बार बार ना एक एयरहोस्टेस के पास बंदे आके ना कंप्लेंट करते हैं कि मैम वो ना वॉमिट करे जा रहा है बंदा, वो वॉमिट करे जा रहा है बंदा। तो बंदे को जाके बोलते हैं कि सर वॉमिट आ रही है आपको, तो आप ये अलग सीट पे बैठ जाओ और ये बैग ले लो इसमें कर लेना। तो थोड़ी देर के बाद ना वो कहते हैं आवाज़ बंद हो गई, यानी लोग नहीं आ रहे कंप्लेंट करने, चलो जाके देखते हैं क्या हुआ।
तो देखते हैं तो बंदा चुपचाप बैठा होता है, बाकी सारे वॉमिट कर रहे होते हैं। कहते भाई ये क्या किया तूने, तू बैठा हुआ वो वॉमिट कर रहे हैं। कह रहे हाँ वो बार बार वॉमिट कर रहे हैं, वॉमिट कर रहे, कंप्लेंट कर रहे थे, एक बार मेरे को वॉमिट आई, मैं वापस खा गया, उसके बाद से ये बैठे वॉमिट कर रहे। अब बताओ इसमें कितनी चीजें कवर होगी ना, प्लेन कवर हो गया, वॉमिटिंग कवर हो गई, पतीला वो पैकेट कवर हो गया, लिफाफा कवर हो गया, बस करो मेरा फोन गर्म हो गया तुम्हारा जोक सुन के। चलो बस अब वीडियो एंड करना है, एक छोटा सा कोई जोक आता है तो रॉकेट पे भी सुना दो। रॉकेट हाँ, एक बार रॉकेट और प्लेन आपस में बात कर रहे होते हैं, तो जो वो होता है ना क्या कहते हैं प्लेन, वो रॉकेट से पूछता है, कह रहा भाई तेज तो मैं भी बहुत चलता हूँ है ना, जमीन में जितनी भी चीजें हैं उन सबसे सबसे सुपर फास्ट। कह रहा तू तो मेरे से भी फास्ट भागता है, तेरे इतने फास्ट भागने का राज क्या है? कह रहा भाई जिसकी डुई में आग लगी होती है ना उसी को पता होता है। सही बात है, वो उसके पीछे आग लगी होती है, छींक करके निकल जाता वो। चलो बस हो गई, मेरा हाथ दुख गया। जय गुरु जी, गुड नाइट, बाय बाय गाइस। तो मैं अपने चैलेंज में कामयाब हुआ कि नहीं, सोचेंगे रिजल्ट आने तक, वेट करें।